तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चूरन पर। मेरा नाम है पामी और वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ और ये देखो, हाय हाय हाय, एकदम ठंडा मौसम लग रहा है आज तो। बहुत टाइम से कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है यहाँ पर और आज ठंडे मौसम के अंदर फुल ऑन मजा। गर्मी वाला मौसम मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सारी गर्मी के अंदर वीडियो नहीं बनती। यहाँ पर बैठ के जब वीडियो बनाओ ना तो पसीना पहले आता है, वीडियो बाद में बनती है। उसका मेन रीजन सिंपल है, हमारे स्टूडियो के अंदर जो है हवा का सर्कुलेशन है ही नहीं। और अभी मैं आपको समझाता हूँ, तो जब मैं खिड़की खोलता हूँ, दरवाजे खोलता हूँ, तो बाहर से तो ठंडी हवा तो अंदर आती है, लेकिन अंदर की जो गर्म हवा है जो कंप्यूटर से निकलती है, लैपटॉप से निकलती है, और जो वहाँ पर पीसी पड़ा हुआ है, फोने वोने माइक्रोफोन, जितनी भी जो गर्म हवा निकलती है वो बाहर नहीं जा रही, क्योंकि सर्कुलेशन है ही नहीं। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह मेरे को कमरा बनाना है यहाँ पर, तो आगे से ठंडी हवा अंदर आएगी और पीछे से गर्म हवा जो है कंप्यूटर की जो है बाहर जाएगी। तो यार सेम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, बाहर से हवा आ रही है लेकिन जो गर्म हवा है वो पीछे से बाहर नहीं जा रही। इसका सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है, देख रही ऊपर छत, हम आज अपनी छत खोलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कुर्सी को रखा है यहाँ पर एंड चढ़ जाओ ऊपर, खुल जा, कहीं ऊपर भूतिया चीजें ना बैठी हुए। ओके सिंपल, और वो देखो ऊपर रोशनी बनी हुई है, गैप बना हुआ, तो हमें खिड़की लगाने की जरूरत ही नहीं है। एकदम सोल्यूशन ये वाला, पूरा सबसे सस्ता, सबसे चीप एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव। तो लास्ट वाली वीडियो में गाइस आपने देखा होगा कि मेरे को अपनी बाइक के लिए जो है पंप लेने जाना था, जो कि वो सामने खड़ी हुई है फिलहाल। लेकिन अगर मैं लास्ट टाइम पंप लेने जाता तो हम वो खतरनाक वाला फेस्टिवल मिस कर देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, जो काम लास्ट वाली वीडियो के अंदर नहीं हुआ वो हम करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। और इन पागल बंदे ने मेरी पूरी गाड़ी गंदी कर दी है, मैंने लास्ट टाइम धुलवा कर रखी थी। ये देखो गंद पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ। अच्छा चलो यहाँ पर तो मैं बैठा था, चलो मैं ये साफ कर दूंगा। पीछे पूरा घर ये देख रहे हो, जब भी मैं गाड़ी धुलवाता हूँ तो गाड़ी के अंदर कुछ दिनों के लिए एक रूल होता है, नो क्रिस्प अलाउड, नो बर्गर अलाउड, नो खाना पीना कुछ अलाउड नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी दिन खाना पीना सारा गाड़ी के अंदर इन लोगों को खाना होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब की बार गाड़ी मेरे को खुद साफ करनी पड़ेगी। ये रही गाइस हमारी पहली शॉप, जहाँ पर मेरे को उम्मीद है कि शायद हमें यहाँ पर पंप मिल जाए। नॉर्मली गाइस यहाँ पे लोग जो है घर का सामान लेने आते हैं, लेकिन मेरे को मेरे दोस्त ने बोला कि इन लोगों ने एक्चुअली बाइक का पंप ऑफर पर लगा कर रखा है। आई डोंट थिंक इन संतरों के बीच में मेरे को पंप मिलने वाला पक्का। एक काम करते हैं ब्रो, पंप का तो पता नहीं, थोड़ा बहुत आए तो घर की शॉपिंग कर लेते हैं। अरे बाप रे, मेरे फेवरेट्स डेरी, तकरीबन सारी चीजें मेरे को मिल चुकी है। ये देख रहे हो पूरी ट्रॉली भर चुकी है, एक चीज लेने आया था मैं, एक चीज यहाँ इन कई चीजों के अंदर जो मेरे को पंप ढूंढना है वो यही कहीं पड़ा है, पता नहीं है भी सही कि नहीं है। अरे बाप रे गाइस, ये रहा पूरा बाइक का सामान और जो पंप मेरे को चाहिए था फाइनली मेरे को मिल चुका है। देख रहे हो इसके ऊपर एक्चुअली घड़ी भी लगी हुई है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैंने कितना पंप किया यहाँ पर। ओके आया तो मैं गाइस यहाँ पर सिर्फ पंप लेने के लिए था, तो ये पंप मैंने लेकर रखा हुआ है, और साथ में ये देखो अपने स्टूडियो के लिए मैंने घड़ियां भी लेकर रखी हुई है। पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, तो ज्यादा भूख मेरे को लग रही है यार। और अभी मुझे अपनी बाइक के लिए एक और चीज लेनी है जो कि मैं भूल गया था बिल्कुल भी, और वो है घंटी। ठुकने वाली थी गाड़ी, बच गई। तो लेकिन घंटी लेने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने घर में जाना है, क्योंकि मेरे को वो सैंपल घंटी लेके आना जो एक्चुअली मेरी बाइक के ऊपर फिट आती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ब्रो कि मैं बाइक वाली शॉप के अंदर जाऊँ, घंटी उठाऊँ और घर आऊँ तो घंटी फिट ही ना है। तो यार ये वाला फंडा मेरे को इस बार नहीं चाहिए। तो यार अपनी दो घड़ियां, तो एक मेरे को लगानी है किचन के अंदर उस वाले घर के अंदर, और एक मेरे को लगानी है स्टूडियो के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर लगाई जाए, बार बार टाइम देखने के लिए हमें फोन लेनी पड़ती है, और जैसे ही गाइस फोन को उठाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन, कभी मैसेज आता है कभी कॉल आती है, तो उस डिस्ट्रैक्शन के अंदर वीडियो कम हो जाती है। तो यार डिस्ट्रक्शन कम करने के लिए एक्चुअली ये गुड इन्वेस्टमेंट है। अभी हम घड़ी को खोल के दिखाएंगे, ऑब्वियसली मैंने वहां पर खोल ली थी, तो ये है मेरी ब्लैक वाली घड़ी, और ये हम मैं सोच रहा हूँ कि ये व्हाइट वाली दीवार के ऊपर एकदम परफेक्ट लगेगी, और दूसरी वाली जो है ना लाइक बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके अंदर का फ्रेम जो है व्हाइट वाला है, तो किचन की दीवार एकदम थोड़ी डार्क डार्क है, तो वो वहां पर बेस्ट लगेगी। लॉजिक, अरे वाह, एक्चुअली पूरा बढ़िया लग रहा है यार, एकदम पूरा सेटअप हो गया अपना यहाँ पर। तो अगर मैं ये घड़ी यहाँ से लगाता हूँ तो मेरे को इस कमरे से भी टाइम दिख सकता है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वहां पर मैं टाइम देख सकता हूँ, एकदम परफेक्ट है यार ये। और उसके बाद आता है गाइस अपना द बाइक वाला पंप, ये मेरे को देखने की ये कैसे परफॉर्मेंस देता है। इसको यहाँ से फटाक से खोलो, कहीं पंप खोलते खोलते कहीं हमारी हवा ना निकल आए। निकालो बाहर आ जाओ यार हूं। तो ये है अपना खतरनाक वाला पंप, एक्चुअली बढ़िया यार ये। ओहो, अभी गाइस पंप तो ले लिया, अभी जाके चेकआउट करते हैं कि बाइक पंप करता है कि नहीं करता, क्योंकि मेरी बाइक का कनेक्शन जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट है यार, तो मेरे को चेक करने की क्या ये फिट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कैसे जाने वाले इसके अंदर, भैंस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। तो ये है पंप का कनेक्शन और ये देख रहे हो ये है बाइक का कनेक्शन, अब इन तीनों में से कौन सी चीज यहाँ पर लगेगी। तो थोड़ी देर मगजमारी करने के बाद गाइस मेरे को पूरा फंडा यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो बेसिकली ये जो चीज है ना एक्चुअली खुलती है, तो इसको इसके साथ कंपैटिबल करने के लिए हमें इसको खोल के रोटेट करना पड़ेगा,
तब जाके अंदर फिट आएगा। पंप करो, इसको पंप करो। थोड़ी बहुत मगजमारी करने के बाद गाइस फाइनली अपना पंप जो है रेडी हो चुका है और ये कचरा कुचरा जो मेरे को पंप के अंदर से निकला है मेरे को नहीं चाहिए। ओवरऑल क्वालिटी पंप की इतनी ठीक नहीं है, बताने के इस पंप या हमें कौन से इसके ऊपर जहाज चलाना तो पंप या, और मेरे को बहुत सस्ता पड़ा, तो ये मेरे को पड़ा 10 पाउंड का, तो एकदम सुपर चीप है, काम दे रहा है। और अभी मेरी घंटी कहाँ पर है, तो ये रही गाइस मेरी पुरानी वाली घंटी, तो इस साइज की घंटी मेरे को चाहिए अपनी बाइक के लिए। फिर काम करते हैं, वो काम भी खत्म कर लेते हैं। ओके गाइस, ये रही अपनी शॉप नंबर 2 जहाँ से हमें साइकिल घंटी सकती है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये लोग सारे जो है साइकिल का ही काम करते हैं, तो मोस्टली जो चीजें आपको साइकिल के रिलेटेड चाहिए यहाँ पर पक्का मिल जाएंगी। आती स्कूटर, साइकिलें, जो चाहिए मिलेगा भाई यहाँ पर। और ये देखो, ये वही किट है जो हमने लास्ट टाइम अमेज़न से मंगा के रखी थी। और ये रही गाइस अपनी साइकिल की घंटियां, बड़ी भी है, छोटी भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है। आई थिंक ये वाली ठीक होगी, सिंप। अरे इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा छोटा है। ये वाली गाइस कुछ बेहतर लग रही है, देख रहे हो। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इसका मतलब है। लेकिन इसका कनेक्शन गाइस बहुत ज्यादा छोटा है। और मैंने यहाँ पर नुबड़ा बंदी कर दी, जो सैंपल में लेके आया था ना साथ में घर से, वो गाड़ी के अंदर ही रह गया। तो जैसा मैंने सोचा ना, अभी मैंने यहाँ पर एक कस्टमर केयर वाले बंदे से पूछा, उसने बोला कि ये वाली तेरी बाइक के ऊपर फिट नहीं आएगी। जो तुम्हारे पास जो बाइक है वो सारी स्पेशल वाली बाइक है, उनकी बेल ऑलरेडी बाइक के ऊपर फिट होती है। और दूसरी बात, ये वाली बेल मैं एक्चुअली नापने के लिए लेके आया था अंदर लेके जाने के लिए, और ये गाड़ी में ही रह गई। बट एनीवेज, अभी मेरे पास बेल बजाने के दो ऑप्शन है, या तो मुंह से ट्रिंग ट्रिंग करो ऐसे ट्रिंग जो बंदा सामने आ रहा है, ट्रिंग या के चम्मच लेके जाते हैं बाइक के साथ, तो अगर कोई सामने आएगा तो उसको ऐसे चम्मच से बजाएंगे, बस यही ऑप्शन रहेगा अपने पास। तो फिर भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर कोई बेल वाली कंपनी वीडियो देख रही है तो यार प्लीज एक बेल दे दो मेरे को यार। और अभी गाइस वापस बैक टू द स्टूडियो, ये थोड़ा बहुत काजू सामान में लेके आऊँ, क्योंकि मेरे को पता कि आजकल लेग गिर ही गया, आजकल का दिमाग कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा, तो यार मेरे को काजू वगैरह खाने पड़ेंगे। और ये रही अपनी पुरानी वाली घंटी जो कि हमारे ये स्टॉक रूम के अंदर जाएगी, जो कि मैंने कभी खाली किया ही नहीं। ओ भाई, अभी जाके मेरे को ना एक मस्त वाली हाई पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एकदम जबरदस्त। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को यहाँ से कोई ना कोई देख रहा है भाई, मेरे को काम करने में अभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा यार यहाँ पर। लेकिन ऑफ कोर्स गाइस, हाई पिक्सल से पहले थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पर आलू, दही, प्याज और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चटनी। और मस्त खाना खाने के बाद गाइस, ये रही अपनी चाय। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर खिड़कियाँ खोलनी है, क्योंकि मेरे को गर्मी में चाय पीने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, जब लोहे को लोहा काट सकता है तो गर्मी को गर्मी क्यों नहीं मार सकती, इसके बारे में हम फिर कभी विचार करेंगे। ओ भाई मजा आ गया यार, चाय के साथ साथ अपने मंगलुओं का लूटने का कार्यक्रम भी एकदम से रेडी हो चुका है। और अभी चाय खत्म करके गाइस मेरे को अपनी ये हाई पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड करने, जिसको रिकॉर्ड करने में एटलीस्ट 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन मजा उसी में ही आएगा। तो चलिए गाइस, छोटे से व्लॉग में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।